हैं कांग्रेस के उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का डर फैलाकर भय का माहौल बनाया गया है और इस परिस्थिति में लोकतंत्र को खतरा है। देश में व्यापार पूरी तरह से ठप होता जा रहा है, रोजगार नहीं है, नौकरियां जा रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर वादे पूरे न करने का भी आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सोनिया गांधी के नेतृत्व में ब्लॉक, जिला, प्रदेश और उसके बाद राष्ट्रव्यापी स्तर तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सोनिया गांधी जी ने प्रोग्राम दिया है, आप धरने, प्रदर्शन पूरे देश भर में, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर आईडी पर दीजिए होने चाहिए, जिससे कि जो इनकी आर्थिक नीति है जिससे देश बर्बाद हो रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा, रोजगार बिहार रहा, व्यापार धंधे ठप हो गए, हर व्यक्ति दुखी है, तमाम कृषि प्रेसिडेंट को, ट्रेड यूनियंस को, सब नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सर्वोच्च अध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों को, आप सब जाइए और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाइए। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जुडिशरी दवा चल रहा है, ये माहौल बन गया देश का, ये माहौल लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, चाहे किसी भी राज्य बनो, ये माहौल बना है एनडीए गवर्नमेंट वक्त बना है, और राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सेना के बीच छिप कर के राजनीति हो रही है। अब 370 लेके आ गए, राम मंदिर लेके आ गए, ये अपनी जगह है, ये चलेंगे, जुडिशरी का काम वो अपना काम कर ले, परंतु देश चाहता है कि अर्थव्यवस्था क्या होगा। और मैंने पहले भी कहा कि अगर वित्त मंत्री के खुद के परिवार के, उनके पति देव के हैं कि ये लोग ये समझ ही नहीं है, अर्थव्यवस्था की समझ नहीं लोगों को है, पंडित नेहरू की अर्थव्यवस्था जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर थी उसको तो स्वाधीन कर।